अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड आज से जो हमारी वीडियो के जो लेक्चर्स हैं वो चैप्टर टू में हमारा पिछली वीडियो पे प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट है और उसकी स्पोर वो खत्म हो गया। अब जो वीडियो या ये जो चैप्टर आगे से चलेगा वो एनिमल्स के अंदर स्पोर और एनिमल्स की मूवमेंट के रिलेटेड है। तो आज हमारा पहला लेक्चर उसके लिहाज से होगा, एनिमल्स के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक है आपकी बुक पे हेडिंग है वो है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल। उसका पहला टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसका पहला टॉपिक स्केलेटल सिस्टम, तो इससे हमने स्टार्ट करना है। स्केलेटल सिस्टम ये आप 10th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे भी आप डेफिनेशन इसकी जानते हो कि एक हड्डियों का ढांचा हमारे अंदर मौजूद है जिससे हमें सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। उसी की वजह से हम लोग मूव करते हैं, उसी की वजह से इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ठीक है। नहीं, हमारा सहारा है। उसमें कुछ सेल्स हड्डियाँ ऐसी हैं जो ब्लड सेल्स बनाती हैं, ठीक है। वो हड्डियों का स्ट्रक्चर, जो ढांचे बने हुए हैं हमारी बॉडी में, मुख्य स्ट्रक्चर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे आप स्केलेटन कहते हैं। यहाँ पे हमने जनरली पढ़ना है तो उस लिहाज से स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या जी वो पढ़ते हैं, द हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क। हार्ड है, सख्त है, अगर एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की बात करें, क्योंकि जनरली यही जानदार हमें नजर आते हैं, इसलिए डेफिनेशन में हार्ड का हमने यूज किया। कॉम्प्लेक्स ज्यादातर जानदार, क्योंकि मल्टी सेलर होते हैं तो उनके बॉडी में जो स्केलेटन है इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क से मतलब ढांचा है, ठीक है जी, मॉडल है, वो ऐसे फ्रेमवर्क की जुबान में लिया जाता है। वो प्रेजेंट है इनसाइड अगर एंडोस्केलेटन की बात की जा रही है, और या हाइड्रोस्केलेटन की, और आउटसाइड या एक्सोस्केलेटन की बात, इनसाइड बात है तो एंडो और हाइड्रोस्केलेटन, आउटसाइड फ्रेमवर्क मौजूद है तो एक्सोस्केलेटन है। किसके भी बॉडी, तो अब ये दो लाइन इसको क्लियर करते हैं, द हार्ड कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। काम क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्केलेटन और SS, स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों का सख्त कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क जो जानदारों के जिस्म के अंदर या जिस्म से बाहर मौजूद होता है, और करता है कि उन्हें सहारा देता है, उनकी सपोर्ट में मदद देता है, मूवमेंट में मदद देता है, प्रोटेक्शन करता है। ऐसे फ्रेमवर्क को आप लोग किस नाम से पढ़ते हो जी, स्केलेटन, ठीक है। अब कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर नहीं है लेकिन उनमें स्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो उन ज्यादा सी बात है, अगर सेल ही एक है तो स्केलेटल सिस्टम भी उनमें कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल होगा, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जी, यीस्ट की, ठीक है। सिक्री जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर नॉर्मली होते हैं, तो लिहाजा उनका स्केलेटन भी सिंगल सेल से सिक्रीट होता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या जी, आप यीस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने 10th क्लास में डिवीजन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था यीस्ट जब अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रोटोजोआ के अंदर और भी कंडीशन है, पेलिकल समझ लें, पेरामेशियम के अंदर मौजूद होती है चैप्टर 10 में, ठीक है जी, तो पेलिकल उसमें आ सकती है। तो ये जो सिंगल सेल प्रोटोजोआ होता है उसमें जो स्केलेटल होता है वो एक सेल ही सिक्रीट करता है, और वो सिंपल नेचर का होता है, नॉर्मली एक से दो कंपोनेंट होते हैं। और अगर दूसरे जानवर की, फॉर एग्जांपल एडवांस जानवर की बात करें या वर्टिब्रेट मल्टीसेलुलर जानवर की बात करें, तो उनमें ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। अब ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं ये सेल्स की फॉर्म में होंगे, तो लिहाजा मल्टीसेलुलर जानवरों में ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है जी। जो स्केलेटल सिस्टम है ये मल्टीसेलुलर जानवरों में स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनता है, वो जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बने हुए हैं, ठीक है। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ये आपकी जो बुक है उसका पहला पैराग्राफ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जी, और यहां पे जो पहले बात की जाती है, बात में रिपीट नहीं करना हमने, कि ये एमसीक्यूज है कि प्रोटोजोआ का जो स्केलेटन होता है वो कितने सेल से सिक्रीट होता है, तो सिंगल सेल होता है। अब बात करते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है या स्केलेटन है इसकी कितनी टाइप्स हैं, तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन,
एंडोस्केलेटन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हाइड्रो को कवर करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोस्केलेटन। अब स्केलेटन आपने पढ़ लिया, ये स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रो की कंडीशन में हार्ड और कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस आ देते हैं। तो ये स्केलेटन होगा जो सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, मूवमेंट में मदद करेगा। और हाइड्रोस्केलेटन उन जानदार में होगा जिनके अंदर स्पोर और प्रोटेक्शन के लिए कोई, सॉरी स्पोर्ट के लिए नहीं, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है। उनकी बॉडी ज्यादातर मसल से मिलकर बनी है, कोई हार्ड एज सच कोई स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में नहीं है। या आसान कर दिया जाए कि ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में हार्ड स्केलेटन है ही नहीं, उनके अंदर हाइड्रोस्केलेटन सपोर्ट के लिए होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ये पहले डेफिनेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो यहां से यहां तक की हमारी डेफिनेशन, तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्केलेटन क्या है, इट इज अ फ्लूइड फिल्म गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलोम, लिखने में को इलोम है, पढ़ने में सिलोम है। ये क्या होती है, फ्लूइड फिल्म, पानी या किसी लिक्विड से भरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वो जगह, ठीक है, जहां पे डाइजेशन हो रही होती है। अब क्योंकि आप सेकेंड ईयर का टॉपिक है, तो आप फर्स्ट ईयर में डाइजेशन इन हाइड्रा वगैरह पढ़ के है, उसमें वो जो खाली जगह होती है दरमियान में, उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। तो ऐसे जानवरों में बेसिकली जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जहां पे डाइजेशन वगैरह का काम होता है, वो पानी से भर लेते हैं और ऊपर से उसे बंद कर देते हैं। अब पानी भरने की वजह से मसल कंट्रैक्शन से वो पंप हो जाती है, और पंप होने की वजह से वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सा बन जाता है जो उसे सहारा दे रहा होता है। वो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पानी भरने से बना होता है, उसे आप हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ये फ्लूइड फिल्म गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये सिलोम है, जो करती क्या, प्रोवाइड करती है सपोर्ट एनिमल्स को, किन एनिमल्स को, विच लेक हार्ड स्केलेटन। The fluid-filled gastrovascular cavity provides support to those animals which lack, which do not have hard complex skeletal system. Such type of gastrovascular cavity filled with fluid is called hydroskeleton. अच्छा जी, काम क्या है, डेफिनेशन में बात की, यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये सपोर्ट देती है और रेजिस्ट करती है। अब जितने मैंने पहले बात की थी, ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये उन जानवर में होगा जिनमें मसल्स हैं, तो मसल की एबिलिटी क्या है, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। तो अगर ऐसी जानवर में मसल एक दफा कंट्रैक्ट हो गया, तो ऑपोजिट मसल किसी ऐसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच ही नहीं है, जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स हो सके। तो लिहाजा ऐसे जानवर में मसल्स की कंट्रैक्शन को मिनिमम रखने के लिए, कंट्रैक्शन को रेजिस्ट करने के लिए, ताकि वो पूरी तरह कंट्रैक्ट ना हो जाए, ये जो हाइड्रोस्केलेटन है ये सपोर्ट दे रहा है, उसमें मदद कर रहा है। अच्छा, मौजूद किन में होता है, अक्रेंस की बात की जाए, तो नॉर्मली जितने भी मल्टीसेलुलर जानवर होते हैं, ज्यादातर कॉर्डेट की बात कर लेते हैं, उनमें स्केलेटन एंडो होता है। कॉर्डेट से मुराद वो जानवर जिनकी कमर की हड्डी। तो ये किन किन में होता है, ये आपको मिलता है निडेलियंस में, ठीक है, निडेलियंस में ये मौजूद होता है। इसके अलावा एनालिड्स में ये मौजूद होता है, और सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट, ऐसे इनवर्टिब्रेट बगैर कमर की हड्डी रखने वाले जानदार जिनकी बॉडी सॉफ्ट है, लाइक जेलीफिश हो सकती है, ठीक है जी, उनमें हाइड्रोस्केलेटन होता है, एंडोस या एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारे बुक का जो दूसरा पैराग्राफ था, ठीक है। अब हाइड्रोस्केलेटन को समझाने के लिए दो एनिमल्स की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, इन द फॉर्म ऑफ वन वन पैराग्राफ। सबसे पहले सी एनिमॉन, ये एक तरह का जानवर होता है जिसे आप चैप्टर 10 में भी पढ़ के आए थे, ठीक है, जिसकी मैं ट्राई करता हूं कि अगर मुझसे प्रॉपर बन गया तो। ठीक है, आपने एक टेंथ चैप्टर में इस तरह का एक एनिमल देखा था जिसे सी एनिमॉन कह रहे हैं। इसके सेंटर में कैविटी होती है, माउथ होता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये माउथ है, और ये देखिए टेंटिकल होते हैं, मसल बॉडी से निकलते हुए। तो जो सी एनिमॉन है, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोस्केलेटन होता है और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता सपोर्ट के लिए। अब होता किस तरह, ये स्केलेटन सपोर्ट कैसे देता है, वो मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये सी एनिमॉन अपना मुंह ओपन करता है तो पानी इस कैविटी के अंदर आ जाता है, पानी जो होता है उसकी
ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये माउथ ओपन करता है, पानी उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में चला गया, पानी चला गया इसमें, ठीक है, ये पानी फ्लक्स करें चला गया, पानी चला गया। अब एक टेंटिकल के लिए ऐसा हम लोग देखते हैं, ठीक है, पानी इसकी बॉडी में चला गया, इसने क्या किया, मुंह को बंद कर दिया, माउथ क्या होगा, क्लोज हो गया। उसके बाद ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के मसल है, ये इसे कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी, ये क्या करेगा, कंट्रैक्शन करेगा, जैसे ही कंट्रैक्शन करेगा पानी इन टेंटिकल्स में आ जाएगा। अब सेम वही एग्जाम्पल है, जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भरते हो तो वो क्या होता है, फूल के एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है, तो जैसे इस टेंटिकल में पानी आएगा, ये जो पिचकी फॉर्म में थी ये एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और क्योंकि मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, पानी पूरी बॉडी में फैल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, मुंह भी बंद हो गया कि पानी वापस नहीं जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्रेशर बिल्डअप होता है, एक तो सी एनीमोन को सपोर्ट दे रहा होता है, दूसरा इसे बिल्कुल सीधा अपरेट स्ट्रेचर की फॉर्म में बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में मदद कर रहा होता है। तो इस तरह एक एनिमल के लिए ऐसे हमने हाइड्रोस्केलेटन की एग्जांपल दे दी। दूसरे की बात करते हैं, जो आखिरी हमारा टॉपिक है, अर्थवर्म। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो कंपार्टमेंट पे मुश्तमल होती है, ठीक है, अर्थवर्म की बॉडी कुछ इस तरह कंपार्टमेंट में स्ट्रक्चर बनी होती है, और ये कंपार्टमेंट फ्लूइड से भरे होते हैं, ठीक है, एक बात, इन कंपार्टमेंट्स को आपस में डिवाइड किया होता है क्रॉस वॉल में, ठीक है, क्रॉस वॉल से मतलब यहां पर थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ये क्रॉस वॉल्स है, दीवार है, जिस तरह गन्ने के दो जो हिस्से होते हैं उसके दरमियान एक जगह पे होती है, तो ये क्रॉस वॉल होती है, ये जो हाइड्रोस्केलेटन है ये इन क्रॉस वॉल्स के दरमियान में से गुजर रहा होता है, ठीक है, ये हाइड्रोस्केलेटन इन क्रॉस वॉल्स के दरमियान से गुजर रहा होता है। अब ये सेपरेटेड बाय वॉल्स होते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट भरे हुए हैं फ्लूइड से, और इसके अंदर अर्थवर्म में आप जानते हैं दो तरह के मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, दोनों स्मूथ मसल्स की टांगें। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करता है तो इसकी बॉडी जो होती है वो छोटी लेकिन लंबी हो जाती है, और जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करता है तो इसकी बॉडी छोटी, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करता है इसकी बॉडी शॉर्ट या थिंक छोटी और लंबी हो जाती है, जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करता है तो इसकी बॉडी पीछे की तरफ छोटी और साइज में या थिकनेस में मोटी हो जाती है। तो जब मसल्स लगातार एक रिदम में अल्टरनेट कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो इसकी बॉडी में कंट्रैक्ट रिलैक्स का एक पैटर्न बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटेड वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये जो अल्टरनेटेड वेव है कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, ये इस अर्थवर्म को आगे मूव करने में मदद दे रही होती है, और ये जो हाइड्रोस्केलेटन है उसे कोलैप्स होने में से बचा रहा है। अब इन चीजों के साथ साथ जो सीटी है ये भी आगे वाले मसल और पीछे वाले मसल में मौजूद होती है, जो कि जब ये आगे मूव कर देता है, ठीक है, अच्छा, तो जब दोबारा मसल कंट्रैक्ट करेगा तो पीछे आने से रोकने के लिए आगे एक स्ट्रक्चर होता है जो मिट्टी में धंस जाता है, उस स्ट्रक्चर को सीटी का नाम दिया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल, ठीक है, उसका पहला टॉपिक स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने आज पढ़ा हाइड्रोस्केलेटन। तो यहां तक था आज का हमारा टॉपिक था, जिसके वीडियो तुमको लगा अपनी राय जरूर हमें कमेंट में।